नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते हैं, महीने बदलते जाते हैं, साल बदलते जाते हैं, हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है जानने की कि आने वाला वर्ष, आने वाला महीना और आने वाला दिन हमारे लिए कैसा जाने वाला है। और साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में कुछ विशेष त्योहार भी आने वाले हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए अक्टूबर की 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगे जो 15 तारीख तक चलेंगे, यानी कि 14 तारीख की रहेगी नवमी, 15 तारीख का रहेगी विजयदशमी और ये नवरात्रि प्रारंभ होंगे 7 तारीख से। कहीं ना कहीं देखिए माँ भगवती का आशीर्वाद इस समय में विशेष तौर पर मिलता है। अगर हम श्रद्धा भाव के साथ घर में खेतरी को जो होती है अगर बीजते हैं तो कहीं ना कहीं माँ भगवती का, माँ अम्बे का, माँ जगदम्बे का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो नवरात्रों को विशेष तौर पे नियम से करना चाहिए। उस अवधि के दौरान घर में प्याज, लहसुन, अंडे, नॉन वेज कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। केवल सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, फल फ्रूट इत्यादि का सेवन करिए। फास्ट जो लोग रखते हैं तो भी देखिए, जैसे आपको फास्ट में आप खाना है फल खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, इस तरीके की चीजों का आपको प्रयोग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए नवरात्रि का जो समय होता है उसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। आपको अवॉइड करना चाहिए अपने बाल कटवाना, शेव करवाना, ये सारी चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। और 7 तारीख से ये नवरात्रे प्रारंभ होंगे। और भी कुछ त्योहार है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो 15 तारीख को दशहरा होगा, देखिए बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं वो त्योहार इसलिए मनाया जाता है, जो रीत पुरानी चलती आ रही है कि हमारे जीवन में से बुराई मिटे और अच्छाई का हमारे जीवन के अंदर वास हो। तो इस चीज का भी त्योहार हमें विशेष तौर पर धूमधाम से मनाना है। और फिर 24 तारीख की बात कर लेते हैं। 24 तारीख को आएगा करवा चौथ। करवा चौथ का जो त्योहार है वो बेसिकली महिलाएं रखती है अपने पति के लिए, हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए मनोकामना करती हैं। और जो उनका कठिन परिश्रम होता है पूरा दिन भूखे रह के, रात को चांद देख के खाना, कहीं ना कहीं मैं भगवान से भी मनोकामना करूंगा ये जो रीत चली आ रही है युगो युगो तक आपके घर में चलती रहे, आपके अपनों की आयु लंबी हो और कहीं ना कहीं आपको युगो युगो तक एक दूसरे का साथ बना रहे। अब बात करते हैं हम एक त्योहार और है जिसके बारे में विशेष तौर पे बात कर लेते हैं। अहोई अष्टमी अगर आप लोगों ने सुना होगा 28 अक्टूबर को वो पड़ेगा। इसमें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और मनोकामना करती हैं अहोई माता से कि हमारे बच्चे की लंबी आयु हो। और इसके पीछे भी कई स्टोरीज है जिसको मान्यता एक कह लीजिए कि इसमें में प्राप्त है कि हर घर में इस त्योहार को भी धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर इस त्योहार को करते हैं तो जैसे करवा चौथ में माना जाता है जैसे महिलाएं अपने हस्बैंड्स के लिए करती हैं उनकी आयु लंबी होती है, उसी तरीके से अष्टमी जो है वो अगर की जाती है तो आपके बच्चों की आयु लंबी होती है। तो ये थे कुछ प्रमुख त्योहार जो हम धूमधाम से मनाते हैं और ये शुरू होंगे अक्टूबर के महीने से। अब आपकी 12 राशियों के ऊपर मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और कौन सी ऐसी शुभ परिस्थितियां हैं जो अक्टूबर के महीने में निर्माण हो रही है। अगर ग्रह स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आपके जितने भी कठिन परिश्रम थे, जितने भी कठिन प्रयास थे वो अब कहीं ना कहीं सफल अक्टूबर के महीने में आके होंगे। ओवरऑल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी के लिए देखिए आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। शनि आपकी राशि का कारक माना जाता है, आपकी राशि का ग्रह माना जाता है, वो संघर्ष का कारक है। और कहीं ना कहीं देखिए जो आपने संघर्ष किया, जो आपने मेहनत की, उसके रिजल्ट आपको अब इस ड्यूरेशन के अंदर, इस मंथ अक्टूबर के अंदर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सीनियर्स के साथ आपके टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, आपको रिकॉग्निशन, आपको ग्रोथ मिलेगी, नई कोई नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब प्रोस्पेक्ट से जॉब ढूंढ रहे हैं बहुत समय से तो आपको मिलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए अगर देखा जाए उनके लिए भी टाइम अच्छा है। कुछ नई इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। साथ ही साथ देखिए विशेष तौर पर जो आपको लाभ मिलेगा
पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी आती हुई नजर आ रही है, मतलब जो उतार चढ़ाव थे, जो टेंशन थी बिजनेस को लेके भी कि यहाँ पैसा फंसा हुआ है, वहां पैसा देना है, वो सारी अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर खत्म होती हुई नजर आ रही है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं अब जो आप दोनों के मन है, पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो अब मिलना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो इस टाइम में विशेष तौर पे कर सकते हैं, उसके भी शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, अब आगे बढ़ जाना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग आपकी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी, लोकल एरियाज में ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है या कह लीजिए दूसरी सिटी स्टेट उसमें ट्रैवलिंग हो सकती है। तो इस तरीके के योग बनने वो काम काज को लेके भी हो सकती है, पढ़ाई को लेके भी हो सकती है, तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, लेकिन विदेश यात्रा नहीं होगी। एजुकेशन में जो बच्चे हैं, विशेषकर जो इंजीनियरिंग में है, टेक्निकल फील्ड में है, उनके लिए कहीं ना कहीं समय अच्छा है। शनि उनको अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, उनके लिए कहीं ना कहीं एनर्जेटिक एक कह लीजिए वे में काम करेगा। हो सकता है कोई अगर आप एंट्रेंस देते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, वो भी आपका इस टाइम ड्यूरेशन में क्लियर होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं आपको लाभ होगा, लेकिन मैं कहूंगा अगर किसी पुराने मकान पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो विशेष तौर पर आपको शुभ स्थिति बनेगी, आपके शुभ योग बनेंगे। जैसे एक होता है आपने यहाँ तो नया मकान लेना, वो अलग चीज है, किसी ने जैसे रह के वो मकान छोड़ा हो, पुराना मकान वो आपको खरीदना चाहिए, उसमें आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की भी बात कर ली, तो कहीं ना कहीं देखिए जो गृह स्थिति बन रही है वो अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके की चीजें हैं आपके लिए ओवरऑल एस्पेक्ट में आपके लिए शुभ रहेंगी, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। शादी के लिए अगर देख रहे हैं तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो कुल मिला के मकर राशि के जातकों के लिए गृह स्थिति अच्छी है, उनके काम काफी बनने वाले हैं। अब कुछ सामान्य टिप्स भी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा मकर राशि के जातकों को, जो आपको फॉलो करनी है, उससे भी आपको लाभ होगा। शनि देवता की पूजा आपको विशेष तौर पे करनी है, जिससे आपकी गृह स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होगी और आपको लाभ मिलेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। आपने सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, मूलांक 5 का प्रयोग आपने करना है, 8 का आपको नहीं करना, क्योंकि शनि को हमने कहीं ना कहीं इस वे में रखना है कि कोई स्ट्रेंथ देने वाला उसको प्लेनेट मिले, तब वो ज्यादा लाभ करता है। हरे रंग का ज्यादा प्रयोग करिए, बुध का रंग है तो वो भी आपको विशेष तौर पे लाभ देगा। और साथ ही साथ आपने शनि का मंत्र तो करना है, शिव चालीसा जरूर पढ़िएगा, ऐसी मान्यता है कि शिव की अगर हम आराधना करते हैं तो शनि अपने आप ही आपको अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो ये कुछ सामान्य टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और साथ ही साथ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए शुभ है, आप वेस्ट डायरेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई ये भ्रांति में कभी मत पड़िएगा कि वेस्ट डायरेक्शन खराब है, आपकी राशि के लिए डायरेक्शन अच्छी है, आप उसका निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामान्य टिप्स को आप फॉलो करके देखिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। डायरेक्शन फॉलो करने में मैंने बता दिया, अधिक से अधिक कार्य उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके करना होता है, तो आपको विशेष तौर पर लाभ होगा। तो ये जानकारी थी मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने की। अगली वीडियो में कुंभ राशि पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी जो 12 राशियों के ऊपर मैंने बनाई है। अब जाने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध यही करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाने से ये फायदा आपको होगा कि आने वाले समय में ज्योतिष से संबंधित जो भी वीडियो है या जो भी खगोलीय घटना है, अगर ज्योतिष से संबंधित होती है, तो वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो पाएगी। और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एस्ट्रो योगी का जो यूट्यूब चैनल है वो केवल और केवल ज्योतिष से संबंधित आपको ज्ञान बांटता है, ताकि आपके अपने अपनों को भी ये ज्ञान की विशेष तौर पर प्राप्ति हो पाए कि क्या ऐसी खगोलीय घटना या ग्रहों की घटना हो रही है। एक एक वीडियो हमारे चैनल पे शेयर की जाती है और कहीं ना कहीं विस्तार से ज्योतिषीय दृष्टिकोण के बारे में बताया जाता है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।